Khushbhu Goel. I am Senior Consultant Neurology at Manipal Hospital, Dwarka, Delhi. आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू एपिलेप्सी यानी मिर्गी के रोग के बारे में कुछ अवश्य जानकारियाँ दूंगी। एपिलेप्सी यानी मिर्गी का रोग ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज को फिट्स पड़ते हैं। फिट्स को हम आम भाषा में मिर्गी के दौरे भी कहते हैं। इसका कारण ब्रेन के इलेक्ट्रिकल सर्किट में सडन स्पार्क का होना होता है। एंड ऐसा देखा गया है कि अगर एपिलेप्सी की मेडिसिन टाइम से ली जाएँ तो अराउंड 60-70% लोगों में काफ़ी हद तक हम इसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो ये लाइलाज बीमारी नहीं है। इसका टाइमली प्रॉपरली डॉक्टर की सलाह से अगर ट्रीटमेंट लिया जाए तो काफ़ी हद तक हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 3/4 पेशेंट्स अपनी मेडिसिन को टाइम पे नहीं लेते हैं, उनको स्किप कर देते हैं। और अगर यही पेशेंट्स टाइम पे दवाई लें तो 60% ऑफ एडल्ट्स एंड 70% ऑफ चिल्ड्रन, इन लोगों में हम दवाइयों को 2 या 5 साल के बाद बंद भी कर सकते हैं अगर दौरे पूरी तरीके से कंट्रोल में रहेंगे। मैं दोबारा आपको इस बात पर स्ट्रेस करूँगी कि अगर दवाइयाँ टाइम पर ली जाएँ, डॉक्टर की सलाह से ली जाएँ, तो एपिलेप्सी के पेशेंट एक आम आदमी की तरह ज़िंदगी जी सकते हैं, नॉर्मल एंड एक्टिव सोशल लाइफ जी सकते हैं। दे कैन डू वेल इन देयर जॉब्स एंड इवन वुमेन विद एपिलेप्सी दे कैन हैव नॉर्मल मैरिड लाइफ एंड दे कैन हैव हेल्दी चिल्ड्रन। सो प्लीज़ फॉलो द डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शन एंड कीप द एंड टेक द मेडिसिन इन टाइम। एपिलेप्सी में जो फिट्स पड़ते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। कुछ फिट्स में जैकिंग मूवमेंट होती है, कुछ फिट्स में बोलने में दिक्कत आती है, समझने में दिक्कत आती है, कुछ फिट्स में अबनॉर्मल स्मेल आती है कान में, अबनॉर्मल नॉइजेज आती हैं, कुछ फिट्स में कन्फ्यूजन हो जाती है, एनजाइटी होती है, फियर होता है और डेजावू जैसे सिम्टम्स आते हैं। तो एपिलेप्सी के फिट्स में कई टाइप के सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके लिए हम कुछ टेस्ट भी कराते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल MRI और CT स्कैन ऑफ द ब्रेन, EEG, PET स्कैन, SPECT स्कैन और द MAG स्कैन। एंड 25% ऑफ पेशेंट्स जिनमें एपिलेप्सी कंट्रोल नहीं होती है, इवन 2 या 3 मेडिसिन प्रॉपरली लेने के बाद भी, उस केस में हम सर्जरी के लिए भी प्लान करते हैं। अब मैं एपिलेप्सी के गुड कंट्रोल के बारे में आपको कुछ अवश्य जानकारियाँ दूंगी। सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपनी दवाइयों को टाइम से लें, उनको बिल्कुल भी स्किप ना करें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिएं, डाइट को हेल्दी रखें, अवॉइड स्ट्रेस, अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो उसको अवॉइड करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, रेगुलर लाइफस्टाइल रखें। इससे आपकी दौरे को कम करने में काफ़ी मदद मिलेगी। अब मैं कुछ टिप्स उन केयर गिवर्स को भी देना चाहूँगी जो एपिलेप्सी के मरीज की देखभाल करते हैं। आप अपने पेशेंट्स के सारे जितने भी उनके एपिसोड्स होते हैं, फिट्स होते हैं, आप उनको रिकॉर्ड करें कि वो एपिसोड्स दवाइयाँ लेने के बावजूद महीने में कितनी बार हुए, उनमें क्या सिम्टम्स थे, क्या वो पिछले फिट्स के सिम्टम्स से अलग थे और उनका जो लाइफस्टाइल है उसमें कोई चेंज हुआ है, आप उन सबको रिकॉर्ड करें और नेक्स्ट विजिट में डॉक्टर से ये डिस्कस करें। और यदि पॉसिबल हो सके तो उसका एक वीडियो बना लें, इससे डॉक्टर को दवाइयाँ एडजस्ट करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। अब मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि अगर आपके सामने किसी पेशेंट को अगर फिट्स पड़ जाता है, मिर्गी का दौरा पड़ जाता है, तो क्या करें। आप घबराइए नहीं, सबसे पहले तो आप पेशेंट को पेशेंट को एक करवट लिटा दें, उसके सिर के नीचे कोई सॉफ्ट पिलो या कुछ सॉफ्ट फ्लैट चीज़ रख दें। अगर गले में टाई है, चश्मा है, तो उसको उतार दें, कपड़ों को लूज़ कर दें थोड़ा सा। फिट्स को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, उसके मुंह में कुछ ना डालें, इससे चोकिंग भी हो सकती है, और पॉसिबल है तो एम्बुलेंस को कॉल करें। नाउ आई डिस्कस द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, द वुमेन एंड एपिलेप्सी। जो फीमेल पेशेंट्स एपिलेप्सी की मेडिसिन लेती हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि जब वो फैमिली प्लान करती हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर परामर्श करें, बिकॉज कुछ दवाइयाँ जो एपिलेप्सी की मेडिसिन होती हैं वो प्रेगनेंसी में चेंज की जाती हैं या उनकी डोज को भी हम चेंज करते हैं। तो जब आप प्रेगनेंसी प्लान करती हैं तो उससे पहले अपने डॉक्टर से अवश्य मिलें। और इफ़ यू आर टेकिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेल योर डॉक्टर, बिकॉज कुछ एपिलेप्सी की मेडिसिन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के साथ इंट्रैक्ट करती हैं और उसके एक्शन को कम कर देती हैं। हो सकता है कि वो आपकी कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड को चेंज करें। होप आई हैव गिवन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट एपिलेप्सी थ्रू दिस वीडियो। थैंक यू।